नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, मेरे पास निपॉन मतलब कैनोट का स्टीरियो आया है। इसमें कस्टमर बोल रहा है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बटन काम नहीं कर रहा। तो इसमें देखिए, यह नया स्टीरियो है, नया जैसा है, एकदम नया नहीं है, नया जैसा है। इसमें देखिए, हम 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। पहले हम 12 वोल्ट का जो सप्लाई है उसको चेक कर लेते हैं। ये हमने ग्राउंड पकड़ लिया और इसका बीच में लगा दिया। देखिए 12.17 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो देखिए, हमने ये जो कनेक्शन है इसको नेगेटिव में लगा दिया, ठीक है, और ये जो है दोनों पॉजिटिव है, इसको हम बीच में लगा देते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा रहा है। और ऑन हो गया, देखिए इसमें लिखा रहा है प्रोटेक्ट, ठीक है, यहाँ पर कोई बटन इसमें काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसका हम आज रिपेयर करने वाले हैं। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, तो वीडियो पे आप बने रहो और देखते रहो। इस तरह का प्रॉब्लम आने से आपको क्या करना होगा हम आपको दिखाएंगे और इसका रिपेयर करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए। पहले इसका पीछे का जो कनेक्शन है वो हम समझ लेते हैं। ये कस्टमर का जो कार में लगा हुआ था उसको ये खोल के इधर ले आया है। तो ये देखिए, यहाँ पे काटने से ही कनेक्शन दे सकते हैं। ये हमारे पास एक पुराना कपलर था, उसको इधर लगा दिया, सेम टू सेम है, इसीलिए हमको इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हमने खोल के रख दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये कनेक्शन इसका, ये दोनों पॉजिटिव का है और ये वाला होता है नेगेटिव का, ठीक है। कोई कोई दोस्त लोग पूछते हैं इसका पीछे का कनेक्शन कौन सा होना चाहिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से देखिए, पहला नंबर पर है मतलब लेफ़्ट साइड पे है ग्राउंड, उसके बाद ग्राउंड के बाद में है स्विचिंग कनेक्शन जो 12 वोल्ट चाबी ऑन करने के बाद इसमें आता है, और नीचे है इसका 12 वोल्ट जो बिना चाबी के भी इसमें 12 वोल्ट आता है, ठीक है, ये कनेक्शन रहता है। और बाकी सब स्पीकर लाइन है, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। देखिए, जिस तरह का फिटिंग किया हुआ है उस तरह का ही है इसमें है, हमने इसको अभी तक छेड़ा नहीं है, खोला भी नहीं है। तो इसको खोल लेते हैं पूरी तरह से, उसके बाद हम इसको देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है और क्या इसमें परेशानी है। तो इसको हम रिपेयर भी करेंगे, पहले इसको खोल लेते हैं दोस्तों। कोई कोई लोग इसको खोलना भी नहीं जानते होंगे, तो खोलना भी हम दिखाते हैं। ये हमने पैनल खोल लिया, इसका जो फ्रंट कवर है इसको भी खोल लेते हैं। और ये मारुति कंपनी का कार में यूज़ होता है, वो लोग सजेस्ट करते हैं, वो लोग लगा देते हैं। ये देखिए, ये निकल गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कोई लॉक है क्या, कोई स्क्रू है क्या, हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कोई स्क्रू है इसमें, नहीं है, तो इसको इस तरह से खोल देते हैं। ये खुल गया है, ठीक है। तो इसको हम अभी फिर से इसमें लाइन देंगे और देखेंगे ये प्रोटेक्ट मोड में अभी तक है क्या, वो हम देख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करना होगा हम आपको दिखाते हैं। पहले इसमें फिर से 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, और एक बात बोला है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर बोला इसमें ब्लूटूथ भी लगा देना भैया, मैंने बोला ठीक है, आपको ब्लूटूथ चाहिए मिल जाएगा, हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये फिर से इसको हमने लाइन दे दिया, अभी इसको ऑन करते हैं। ये देखिए वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पर एक
प्रीसेट मतलब रीसेट का एक बटन होता है, उसको दबाते हैं, उसके बाद देखते ही ये प्रोटेक्ट मोड चला जाता है या फिर से वही आ जाता है। तो इसको दबा देते हैं, ये वाला बटन है देख लीजिए, ये दबा दिया, थोड़ी देर रख दिया, छोड़ दिया, ठीक है। फिर से इसको लगा के देखते हैं, फिर से इसमें प्रोटेक्ट मोड है, देखिए इसमें रीसेट करने के बाद भी वही आ रहा है, क्योंकि इसमें अंदर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, इसमें हम पहले चेक करेंगे, इसमें एक मेमोरी आईसी होता है, वो वाला मेमोरी आईसी हम देख लेते हैं कौन सा है, फिर से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो छोटा सा आईसी है, ये मेमोरी आईसी होता है, इसमें हमको पहले वोल्टेज चेक करके देखना होगा इसमें क्या क्या वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एक छोटा सा आईसी है, देखिए दोनों आईसी है, एक रेगुलेटर आईसी है और एक मेमोरी आईसी है। तो हम पहले ये दोनों में से कौन सा हमें वोल्टेज, इसमें क्या क्या वोल्टेज आ रहा है वो हमें पहले चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं। पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये पहले वाला पॉइंट में जो है वोल्टेज नहीं है, दूसरे नंबर पे वोल्टेज नहीं है, ठीक है, और तीसरी नंबर पे इसमें भी वोल्टेज नहीं है, चौथी में भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद पाँचवीं में 3.2 वोल्ट, उसके बाद छठवीं इसमें वोल्टेज नहीं है, पाँचवीं सातवीं 3.2 वोल्ट, आठवीं इसमें भी 3.2 वोल्ट। तो ये वाला होता है मेमोरी आईसी, ठीक है। तो इस मेमोरी आईसी को हम पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका जो प्रोटेक्ट मोड है वो चला जाता है या फिर से आ जाता है। तो पहले इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूव करके आपको दिखाते हैं, तो पहले इसको हम बंद कर लेते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये हमने इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई जो है खोल दिया हूँ, ठीक है। तो अभी इसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए हमको जो है सोल्डरिंग आयरन लेना है, उसके बाद हम इसमें जो है सोल्डरिंग आयरन से इसको मेमोरी को रिमूव करेंगे। एक नंबर तीन कौन सा है देख के रखना होगा दोस्तों, चिमटा ले लेते हैं, चिमटे से हमको धीरे से इसको पकड़ना होगा। एक नंबर पिन कौन सा है आपको देख लेना होगा, ये वाला जो ए वाला जो इधर एक नंबर पिन है, इसको हम देख के लगाएंगे। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से हम इस मेमोरी को इधर लगा देंगे। ये हमने मेमोरी को खोल दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि काम करते वक्त अगर कोई सोल्डर वगैरह इसमें गिरा होगा तो भी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए हमको मैग्नीफाई ग्लास से अच्छे से देख लेना होगा, नहीं तो दिक्कत करने लगेंगे, ठीक है। तो हम इसको मैग्नीफाई ग्लास से देख लेते हैं, कोई इसमें पिन वगैरह शॉर्ट है क्या,
क्योंकि खोलते समय शॉर्ट हो सकता है, तो हम इसमें अभी फिर से लाइन देंगे और देने के बाद हम देखेंगे इसमें जो प्रोटेक्ट मोड था वो आया गया फिर से आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लाइन देते हैं, देने के बाद हम चेक करेंगे कि प्रोटेक्ट मोड आया या चला गया। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थिनर से इसको साफ़ कर लेते हैं। ये वाला आईसी था, इधर थोड़ा साफ़ कर लेंगे। कभी कभी दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम आता है ऑडियो आईसी से, जो मेन आईसी है ये वाला, यहाँ पे ऑडियो आईसी है, इसमें शॉर्ट होने से भी प्रोटेक्ट मोड आ जाएगा। ठीक है, तो हर स्टीरियो में ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी किसी स्टीरियो में मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है मेमोरी से और ऑडियो आईसी से, मेन ऑडियो आईसी जो है उससे प्रॉब्लम आता है। तो हम इसमें लाइन दे रहे हैं, अभी देखते हैं। इसमें जो है दोस्तों, अभी इसमें वोल्टेज हम चेक करेंगे, जो हमें इधर वोल्टेज मिला था वो वोल्टेज अभी ठीक है, 3.2 वोल्ट, इसमें वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे किसी में भी वोल्टेज इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम स्टीरियो को जो है लाइन देने के बाद आपको दिखाया नहीं हूँ, तो हम इसको आपको फ्रंट साइड दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई कोई लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग की आशीर्वाद हमें ज़रूरत होता है। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। कुछ देर पहले मेरे को एक दोस्त ने कमेंट किया था, आपने जो सोल्यूशन बताया वो भी मैंने किया, उसका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे, तो चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल पे बने रहिए दोस्तों, चैनल को आगे तक पहुंचाइए, दोस्त लोग के पास फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे दोस्तों के पास आते हैं तो वो लोग समझ में नहीं आता है क्या करेंगे, तो हमारे वीडियो अगर देखेंगे तो उनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है फंक्शन अभी काम कर रहा है। ये देखिए, ट्यूनर आ गया, यूएसबी आ गया, सब कुछ काम कर रहा है। तो इसमें हम अभी क्या करेंगे, साउंड चेक करेंगे, साउंड वगैरह ठीक है या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम पहले इसमें साउंड चेक करते हैं। इसके लिए हमको एक स्पीकर लगाना होगा, कोई भी स्पीकर हम इसमें लगाएंगे और देखेंगे ये साउंड इसमें आता है कि नहीं। इस तरह का प्रॉब्लम का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बहुत तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको और किसी स्टीरियो का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे ढूंढ के देखिए, मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पे देखिए इसमें साउंड भी आ गया है। ठीक है, आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो हम इसको अभी क्या करने वाले हैं इसे दोस्तों, इसमें हम अभी क्या करेंगे, ब्लूटूथ लगाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह लगाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए काम के वीडियो है।
ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम था हमने आपको दिखा दिया। ये जो आईसी है, ये आईसी में सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इसका ख़राब हो गया, इसीलिए ये प्रोटेक्ट मोड में आता है। ठीक है, ये इसको हटा दिया तो इसका प्रोटेक्ट मोड चला गया। ठीक है, तो इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आप देखते रहिए हमारे चैनल पे, हमेशा मिलते रहेंगे। तो इसको हम पहले ब्लूटूथ सेट करते हैं, उसके बाद आपको इसका पूरी तरह से साउंड भी सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक बने रहिए और आपको मिल जाएगा नॉलेज कहाँ से क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें हम इसको खोल करके, हाँ खोल करके हम इसमें ब्लूटूथ लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमको जो 12 वोल्ट स्विचिंग वाला 12 वोल्ट चाहिए, स्विचिंग पावर स्विच ऑन करने के बाद ही हमें 5 वोल्ट निकालना होगा। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कनेक्शन है आपको अच्छे से दिखाते हैं, हम इस वीडियो को जूम भी करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक नंबर ये है ग्राउंड, उसके बाद दो नंबर ये है डायरेक्ट आपका स्विच ऑन करने के बाद, गाड़ी का जो चाबी है उसको ऑन करने के बाद इसमें आता है 12 वोल्ट, और स्टीरियो का जो पावर सोर्स बटन है उसको दबाने के बाद इसमें आना चाहिए। ये देखिए मीटर की तरफ देखिए, एक दो नंबर ये 12 वोल्ट है, उसके बाद तीन नंबर ये देखिए इसमें है, चार नंबर पे नहीं है। ठीक है, ये चार अपना तीन नंबर में कनेक्शन आपको 12 वोल्ट का करना है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट का आ जाएगा इस, यहाँ पे हमने साइड में एलएम लगाया है, उस एलएम पे आपको कनेक्शन कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने एलएम लगा दिया है, इसमें हम अभी कनेक्शन नहीं किया हूँ, तो हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं, तभी आपको दिखेगा यहाँ से स्विचिंग करने के बाद 12 वोल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जो हम आपको दिखाते हैं, पहले इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हमने तीन नंबर पे सोल्डिंग कर दिया, ये हो गया इसका सोल्डिंग। देखिएगा किसी चीज़ में टच ना हो, इस तरह से कनेक्शन कीजिएगा, नहीं तो अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका स्टीरियो जो है ख़राब हो सकता है। ठीक है, कस्टमर जो है हमको स्टीरियो ख़राब करने के पैसे थोड़ी देता है, ठीक करने के ही पैसे देंगे। ठीक है, तो आप बहुत बारीकी से काम कीजिएगा, बहुत समझदारी से काम कीजिएगा, नहीं तो जो है काम बनने के बजाय बिगड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत गर्मी है भैया, हमने फ़ैन बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि फ़ैन चलाने से हमारा जो वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम आता है, इसके वजह से हमने फ़ैन को जो है बंद करके रख दिया हुआ, इसीलिए हमको कितना पसीना निकल रहा है। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो हम हमारे चैनल पे लाते ही रहते हैं। अभी जो है ब्लूटूथ जो चिप्स है उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास ब्लूटूथ चिप्स है बहुत सारे, ये देखिए ये चिप्स जो है ना, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे, इसको अलग कर लेते हैं। ये हमने चिप्स निकाल लिया, अभी हम इस जो चिप्स है इसमें हम 5 वोल्ट और लेफ्ट राइट का कनेक्शन इसमें कर देंगे। ठीक है, अब देखते रहो, थोड़ी सी भी मिस मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज मिलने वाला है। देखिए यूट्यूब पे बहुत अलतू फलतू
वीडियो लोग डालते रहते हैं, कोई काम का वीडियो नहीं है। हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आप देखेंगे वो आपके बहुत काम आने वाला है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे चैनल का वीडियो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को भी प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नए नए वीडियो हम डालते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो है बस बहुत सारा काम होता है हमारा शॉप में, हम अकेले ही काम करते हैं, ठीक है, हमारा कोई असिस्टेंट नहीं है, इसके कारण हमको बहुत ज़्यादा ये होता है, मेहनत होता है अकेले अकेले, हमारे पास कोई अच्छा वाला असिस्टेंट नहीं है। देखिए अभी अगर असिस्टेंट हम नया लेंगे तो उसको पूरी तरह से सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो हमने जो ब्लूटूथ इसमें लगाते हैं वो परफेक्ट फिटिंग होता है बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का लगाएंगे तो साउंड क्वालिटी भी अच्छा आएंगे। आठ बोल्ट का जो सप्लाई है वो निकल रहा है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों पूरी 5 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो 5 वोल्ट का कनेक्शन है उसको जोड़ देते हैं। और इसमें ऑडियो कहाँ से देंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा ब्लूटूथ तो पूरी तरह से फिटिंग हो गया है, तो इसका जो फिटिंग है वो कहाँ से कनेक्शन किया है वो हम ऑडियो कनेक्शन भी दिखाते हैं आपको, और कैसे हमने इसमें लगा लिया है। देखिए ये जो तीनों वायर है, ऑरेंज, येलो और ब्लैक, ये तीनों हमारा ऑडियो का कनेक्शन है, और ऑडियो का कनेक्शन कहाँ गया देखिए, यहाँ पे हमने ऑडियो का कनेक्शन दे दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए येलो कनेक्शन जो है लेफ्ट का है, और ये राइट का है ऑरेंज कलर का, और जो ब्लैक कलर है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसको हम जूम करके दिखा देंगे, ठीक है, ये तीनों हमारा कनेक्शन है ऑडियो कनेक्शन, और हमने किस तरह से लगाया है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो हम इसको अभी फिट करते हैं, उसके बाद आपको साउंड सुनाएंगे, तो पहले इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों हमारा जो ब्लूटूथ कनेक्शन है सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम पहले इसमें लाइन देंगे, उसके बाद आपको साउंड सुनाएंगे, और ऑन होने के बाद कैसे दिखाई देता है वो हम आपको दिखाते हैं। इसको पहले ऑन करते हैं, इसमें जो बैटरी का कनेक्शन है उसको लगा देते हैं। ये हमने बैटरी का कनेक्शन इसमें लगा दिया है, ये देखिए। इसमें क्या है, इस सेट में क्या होता है, इसमें डेमो लिखा रहा है, इसमें बोल रहा है डेमो को कैंसिल कीजिए, ये हमने प्रेस किया, उसके बाद यस नो आ रहा है, हमने नो पे कर दिया, ओके, उसके बाद डेमो आ गया। अभी इसमें सोर्स दबाएंगे, ये सोर्स दबा दिया, यहाँ पे ट्यूनर लिखा आ रहा है, तो हमने ये ऑडियो आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ऑक्स जो है उसमें चेंज करेंगे, ये ऑक्स में आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें हम MP3 सॉन्ग जो है थोड़ा सा प्ले करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें डेमो मोड भी चला गया, इसमें कोटेक मोड भी चला गया, इसमें ब्लूटूथ भी आ गया, ठीक है। आज के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, थैंक यू।